बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पहले हम पढ़ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। तो आज हमारा टॉपिक होगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 के ऊपर। अब 16-19 में फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, 19 में कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं, ठीक है, उन्हें इंशाल्लाह देखते हैं। कुछ पैचेज मैंने एक्सेल के और पावर पॉइंट के अपडेट नहीं किए, वो भी इंशाल्लाह आगे अपडेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यह है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ कहाँ पे की जाती है, ठीक है, और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसका असल मकसद है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट पढ़ी थी, डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस थे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोगों ने वर्क बुक पढ़ी थी, वर्क बुक के अंदर जो पेजेस थे उसका नाम शीट कहलाती थी, उनके पेजेस को आप शीट कह सकते हो। सेम इसी तरह से पावर पॉइंट में जो पेजेस होती हैं, सबसे पहले जो हम पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो आप एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हो। उसी प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेजेस होती है उन्हीं पेजेस को स्लाइड कहा जाता है, ज़्यादा हो गए तो स्लाइड्स आपके पास। अब ये प्रेजेंटेशन यूज़ कहाँ पर की जाती है, सपोज़ आपकी कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट्स है, कंप्यूटर रिलेटेड है, आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम्स है, लैपटॉप्स है, कुछ सर्वर्स है, कुछ नेटवर्क के डिवाइसेस है, राउटर्स है, स्विचेस है, आप इन डिवाइसेस को सेल करना चाहते हो, तो आप किसी और वेंडर के पास जाते हो, किसी और कंपनी के पास जाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को आप सेल करिए, तो आप क्या करते हो, बेहतरीन खूबसूरत एनिमेटेड एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हो। ये प्रेजेंटेशन तैयार कहाँ पे होती है, आप इसे बना कहाँ सकते हो, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। तो थोड़ा आकर के हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 इज अ प्रेजेंटेशन टूल, पावर पॉइंट कैन बी यूज कर सकते हो किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बेहतरीन खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो, क्रिएट प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेट, बेहतरीन फॉर्मेट दे सकते हो, प्रोफेशनल डिज़ाइन दे सकते हो इन्हें, प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेटिव बैकड्रॉप फॉर कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, एनिमेट योर स्लाइड्स टू गिव देम क्रिएटेड विजुअल इम्पैक्ट। ऐसे आपके पास वीडियोज़ होती हैं, एनिमेशन होती है, 3D एनिमेशन होती है, इस तरह के आप खूबसूरत एनिमेशन अपनी प्रेजेंटेशन को दे सकते हो, बेहतरीन एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो इन पावर पॉइंट में। जैसे हम लोगों ने मैं शॉर्ट पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आज पावर पॉइंट पढ़ते हैं, थोड़ी सी इसके एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसकी एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पे MS बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 थी, इसकी एक्सटेंशन है हमारे पास .pptx। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 की एक्सटेंशन है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, सिलेक्शन खत्म करके एंटर कर लीजिए, पेस्ट कर ले। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की भी एक्सटेंशन सेम थी हमारे पास, उससे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 2013 जिसकी एक्सटेंशन में .pptx थी, और उससे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 2010 या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 जिसकी एक्सटेंशन थी .pptx, और उससे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 जिसकी एक्सटेंशन भी सेम थी, मगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003
जिसके एक्सटेंशन डॉट पीपीटी थी, जस्ट पीपीटी। उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट 2000 जिसके एक्सटेंशन सेम डॉट पीपीटी थी, और माइक्रोसॉफ्ट 2000 से पहले माइक्रोसॉफ्ट 97 वर्क करता था जिसके एक्सटेंशन भी डॉट पीपीटी थी। इससे पहले ये क्या हम कुछ और डिस्कस कर ले, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए मेरे पास टास्क बार पे यही एप्लीकेशन पिन की गई है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर ले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 ओपन कर सकते हो। यहाँ से ना हुआ स्टार्ट में टाइप कर ले, यहाँ पे पावर पॉइंट टाइप करके एंटर कर ले। अगर आप कहना चाह रहे कि मैं यही पावर पॉइंट थ्रू रन कमांड ओपन कर लूँ, तो इसके रन कमांड क्या होगी, विंडोज आर प्रेस कर ले, यहाँ पे पावर पीएनटी लिखे, पॉइंट की जगह पे जस्ट पीएनटी, स्पेस नहीं होनी चाहिए, पावर पीएनटी। अगर नज़र आ रहा आप लोगों का यहाँ पे, तो इसे ओके कर ले। यहाँ पे जी आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो आपके पास फर्स्ट इंटरफेस ही आएगी। इस इंटरफेस आपके पास पहले से कुछ डिज़ाइन पड़े हुए हैं, कुछ प्रेजेंटेशन बने हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मगर मुझे नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, तो आप यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर सकते हो। एक चीज़ याद रखें, जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ओपन करते हो, तो लेफ्ट पैनल पे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो फाइलें आपने सेव की हो या आपने ओपन की हो, इसे आपने रिसेंटली यहाँ पे एक्सेस की हो, तमाम फाइल उनके नेम्स यहाँ पे के पास मौजूद होंगे। तो आते हैं अपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन की तरफ। जो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो सेम आपके पास जैसे एमएस वर्ड की तरह यहाँ भी आपके पास टैब्स आने शुरू हो गए, फाइल, मेन्यूज, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ठीक है, तमाम टैब्स आपके पास आ गए। तो इसकी जो पेज है, इस पेज को स्लाइड कहा जाता है। तो हमारे प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो क्या हमारे पास पावर पॉइंट इज द बेस्ट। तो यहाँ तक समझ आ गई इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक हमारी इसी के लेआउट के ऊपर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम।